ये वीडियो देखने में बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें कि चूहा कैसे पानी पीते हैं। बहुत सारे आदमी अभी तक नहीं देखे होंगे कि चूहा कैसे पानी पीते हैं, कैसे लोग नहाते हैं, इसमें सारा चीज़ आपको दिखाया जाएगा। बारी बारी से एक एक चूहा प्रवेश करते हैं और पीते हैं, चूहा प्रवेश करते हैं और पीते हैं पानी कैसे, वो भी देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी इंटरेस्ट वीडियो है। देखिए अभी दो चूहा दिखा रहे हैं, ये लोग पानी पी रहे हैं कितने मज़े में। देखिए ये डेली का रूटीन है, हम डेली 9 बजे यहाँ पे पानी छोड़ते हैं, ये लोग आते हैं पीते हैं, उसके बाद फिर शाम में पानी पीने के लिए आते हैं। एक एक करके बारी बारी से लोग आएंगे और पिएंगे फिर चले जाएंगे। आपस में लोग कभी लड़ाई भी नहीं करते हैं। जिस दिन हम पानी यहाँ पे नहीं देंगे तो उस दिन समझिए मेरे लिए जीना हराम है, कुछ ना कुछ ही लोग काट के चले जाते हैं। डेली का ये रूटीन है कि सुबह आके पहले ये लोग को पानी देना पड़ता है, पानी पी के फिर चले जाते हैं ये लोग। पानी नहीं देने के बाद मेरा जीना हराम है, इसलिए आप लोग भी गर्मी का दिन अभी है, घर के छत पे ज़रूर पानी रखें। और बहुत सारे आदमी इसको बोलते होंगे कि मारते क्यों नहीं, हम मारते नहीं हैं इसको, डेली कुछ ना कुछ लोग को खाने के लिए भी यहाँ पे देते हैं। ये गणेश जी का सवारी है इसलिए इसको मारा नहीं जाता जल्दी। गंदा पानी नहीं है, फिल्टर वाला पानी लोग को पिलाते हैं। ये कितने मज़े में है, एक एक करके बारी बारी से 10 से 15 यहाँ पे हैं चूहा, और डेली यही रूटीन है ये लोग का, आते हैं एक एक करके पीते हैं फिर चले जाते हैं। ये सामने देखिए फिल्टर का पानी रखा हुआ है डब्बा में, डेली ये लोग को पानी पिलाते हैं हम, खाना भी दिया जाता है। जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो वो चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा और हमारे वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करें, और जहाँ तक हो सके आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आप लोग जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, काफ़ी हम लोग को मेहनत करके इस तरह वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग एक लाइक ज़रूर करें, एक लाइक करने से हम लोग का हौसला बुलंद होता है, इसलिए आप लोग लाइक ज़रूर करें। अभी तक कौन कौन चूहा को पानी पीते हुए नहीं देखे थे वो ज़रूर इसमें कमेंट करके बताएं, और जो पहले देखे थे वो भी कमेंट करके हमको बताएं, या जो न्यू व्यूअर हैं वो भी हमको बताएं। बहुत सारे आदमी जो है ना चूहा को मार देते हैं, चूहा को मारना नहीं चाहिए, आदमी बोलता है परेशानी करता चूहा, चूहा कोई भी परेशानी नहीं करता, उसको भूख लगता है तभी वो कुछ आपको इधर उधर खटमल की तरह करता है, नहीं तो वो शांति से आते हैं खाना पीना खाते हैं चले जाते हैं। उसको पेट में भूख लगेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ हानि करेंगे, इसलिए उसको खाना ज़रूर दें आप लोग, चूहा को जहाँ तक हो सके आप लोग मारें नहीं, ये बहुत शुभ चिंतक आदमी है और रखना भी चाहिए चूहा को, ये गणेश भगवान का प्रतीक है, इसलिए चूहे को आप लोग मारें नहीं। हम तो डेली इसको खाना और पानी देते हैं, जिस दिन अभी हम नहीं देंगे तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए हम डेली इस लोगों को कुछ ना कुछ खाने के लिए भी यहाँ पर रख देते हैं।